हेलो। हाँ, दीपक केळकर दिस साइड। अभी हम चर्चा करने वाले हैं डिप्रेशन और सुसाइड यानी खुदकुशी। खुदकुशी करने वाले लोगों में से ज्यादातर लोगों को डिप्रेशन रहता ही है, मतलब निराशा या नैराश्य रोग, या हताश या निराश लोग रहते हो और उनको डिप्रेशन की बीमारी रहती है। अभी आज तो ऐसा स्टैटिस्टिक्स है कि भाई ऐसा एक समय आ जाएगा अभी कि दुनिया में हर 4 लोगों के पीछे एक व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, नर्वसनेस मतलब निराशा का शिकार हो जाएगा या डिप्रेशन की बीमारी का शिकार हो जाएगा। तो डिप्रेशन में बाकी जो उसको जो लक्षण है डिप्रेशन के, कि उदास रहना, हताश रहना, रोना आना, नींद नहीं लगना, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होना, सामने ऐसा अंधकार दिखना कि अभी आगे अपने जीवन में कुछ होने वाला है नहीं, और उसके साथ साथ मतलब जो डिप्रेशन के क्लासिक लक्षण है उसके साथ साथ जो सिम्टम आते हैं वो है खुदकुशी के विचार, कि भाई खुदकुशी करने के विचार बार बार आते रहते हैं। उसको लगता है कि भाई ये जीवन में कोई पड़ा नहीं है, मैं खुदकुशी करूं तो अच्छा है। तो वो खुदकुशी के विचार बोल के बताता है। होता क्या है कि हमारे कॉन्वर्जेशन में, हमारे बोलचाल में, संवाद में हम ऐसा मानते हैं कि जो बोलता है वो करता नहीं, मगर ऐसा नहीं है। खुदकुशी करने वाले 10 में से 9 लोगों ने पहले बोला हुआ रहता है कि मैं करने वाला हूं खुदकुशी। इसका मतलब जो जो लोगों ने पहले वार्निंग दी हुई है वो वार्निंग हमने एकदम ऐसे लाइटली, ऐसे नहीं लेना चाहिए कि ठीक है यार ऐसा बोलते रहता है, जो बोलेगा वो करेगा नहीं, भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं, ऐसा कोई बोलता है क्या, धौस मार रहा है, मतलब इस तरह का हमने उसके तरफ बेख्याल नहीं करना चाहिए। जो भी कोई बोलता है कि नहीं मुझे मरने की इच्छा हो रही है, मरने के विचार आ रहे हैं, तो सीरियसली लेना चाहिए। और 10 में से जो 10 कमिटेड सुसाइड है, मतलब जिन्होंने मतलब आत्महत्या हो गई उनकी, ऐसे 10 लोग समझो हमने लिया, तो उसमें से भी 9 लोगों ने पहले बोला हुआ रहता है कि भाई मुझे मतलब ऐसा लगता था, या उसने थ्रेट दिया हुआ है, या कोई उसने बोला हुआ है कि मैंने सुसाइड करना है करके। तो कोई भी मतलब सुसाइड की वार्निंग जो है वो लाइटली लेना नहीं है। लेडीज में, स्त्री में, स्त्रियों स्त्रिया में ज्यादा रहता है पुरुषों से सुसाइड का प्रमाण। सुसाइड अलग अलग तरह से होती रहती है, जैसा जला के मर जाना, जल के मर जाना, मतलब रॉकेल खुद के ऊपर केरोसिन डाल के जला लेना, या ज्यादातर हैंगिंग करना मतलब फांस लगा लेना और पंखे को लटका लेना, या फिर पानी में जाके कूद मारना, बावड़े में कूद मारना, या मतलब ऐसे इस तरह के, या रेलवे के पटरी के ऊपर जाके सो जाना, ऐसे अलग 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 तरीके होते हैं। कॉमन जो तरीका है वो फांसी लेने का होता है, कि भाई फांसी का फंदा लगा लिया, घर में कुछ तो भी और लटका लिया खुद को। जितने भी लोग खुदकुशी करते हैं ना, तो वो करने के पहले वो एक्चुअली उसको बोलते हैं क्राई फॉर हेल्प, मतलब वो चिल्लाते रहते हैं कि मुझे मदद करो। और चिल्लाते कैसे हैं मदद करो करके, वो पहले लोगों को बोलेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, फिर कभी अपना मतलब डेथ के बारे में कुछ लिख के रखेंगे, या मृत्यु पत्र लिख के रखेंगे कि मेरे बाद में ऐसा ऐसा करना चाहिए करके, या मेरे बारे में, मेरे बा मतलब मैं मरने के बाद में अभी बच्चों का कैसा होगा उसके बारे में लिखेंगे, या उसके बारे में चर्चा करेंगे, या फिर एक्चुअली खुदकुशी करने के पहले कुछ ना कुछ उसने किया रहता है, वो हमने यदि उसको बाकायदा बराबर मतलब ऐसा सीरियसली देखा उसके तरफ, तो मालूम पड़ेगा कि नहीं ये उस तरफ जा रहा है, मगर उसको बेदखल कर लेते हैं। तो कुछ भी उसकी जो कृति है व्यक्ति की जो डिप्रेशन में है, तो उसके तरफ ख्याल देना बहुत जरूरी है। उसके पास में कोई हथियार नहीं होना, या चक्कू या बाकी कोई ऐसे मतलब दुपट्टा जैसी चीजें, या रस्सी ऐसे उसके पास में नहीं होना, या गोली खा के लोग या पॉइजन लेके लोग मर जाते हैं, वो भी एक बहुत कॉमन है किसानों में, कि वो खेती के लिए लाते हैं कोई सब्सटेंसेस मतलब, और उसमें से वो पी लेते हैं कोई दवा, और लाइक ऑर्गेनोफॉस्फोरस या कोई भी मतलब चीज जाते हैं वो तो बस पी लेते हैं, खत्म हो जाते, फर्टिलाइजर्स लाते हैं, मर जाते हैं उसमें। तो वहां उस समय यदि उसको मदद मिल गई तो
तो बच सकता है। मदद मतलब उसको सपोर्ट देना, या उसका मन कहीं बहलाना, या उसको कहीं बाहर घूमने ले जाना, या उसके ऊपर वॉच रखना, उसको वो करने देने का नहीं। मतलब वो क्या होता है कि खुदकुशी एक स्पर्द मोमेंट होता है। ऐसा बहुत कम दिखाई दिया है कि प्लानिंग करके कि भाई कल शाम को मैं मरने वाला हूं, ऐसा प्लानिंग करके कोई मरता नहीं। उसके दिमाग में विचार चालू रहते हैं, मगर ऐसा कोई टाइम उसने फिक्स नहीं किया रहता। वो उस समय उसका विचार आता है, वो फटाक से कर देता है। तो इसलिए जो सुसाइड के विचार करने वाला व्यक्ति है या निराश है, हताश व्यक्ति है, उसको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। और उसका मन बहलाना, उसको जो निराशा आई हुई है, हताश हुआ है, उसको हम क्या सपोर्ट कर सकते हैं। उसको फ्यूचर अंधकार में दिखता है कि आगे कैसा होगा, क्या होगा। फिर फाइनेंशियल आर्थिक प्रॉब्लम रहता है, आर्थिक विवंचना है कि भाई आर्थिक मेरा कैसा होगा, पैसे का कैसा होगा, मेरे ऊपर कर्जा है। अभी हमारी सरकार जो है वो कर्जा फेड़ना चाहिए या कर्जा माफ करना चाहिए करके सब तरह डिमांड होते रहती है। सरकार कर्जा माफ भी करती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है माफ करने के लिए, माफ करना भी चाहिए। मगर कर्जा माफ करने से आगे वो कर्जा करेंगे नहीं, ऐसा कहीं लिखा हुआ है क्या? तो मैं हरदम ये बोलता हूं कर्जा माफ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर उसके साथ साथ उसको, किसानों को या वो व्यक्ति को ऐसी ताकत दो कि फिर से वो कर्जा ना करे। इसलिए उसको ताकतवर बनाना, एम्पावर करना, एनेबल करना। नहीं तो फिर क्या है कि अभी कर्जा माफ कर दिया, फिर दोबारा साल दो साल के बाद में फिर कर्जा हो जाता है। तो वो भी करना वो जरूरी है कि जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है तो उसको एनेबलिंग एंड एम्पावरिंग, मतलब उसको उसकी क्षमता बढ़ाना और उसको शक्तिशाली बनाना ताकि वो फिर से कर्जा ना करे या अपना जीवन वो शक्तिशाली रूप से जी सके, इसलिए काम करना वो जरूरी है। तो इस तरह के किसानों को मदद कर सकते हैं। और जो डिप्रेशन में है, या जो भी कभी कभी ऐसा होता है कि वो डिप्रेशन है मालूम ही नहीं पड़ता, डिप्रेशन मतलब निराशा जो अंदर चालू रहती और मरने के विचार उसको बार बार आते रहते कि मरना चाहिए करके, तो ऐसे इसमें उसको डिप्रेशन का इलाज करना जरूरी है। सुसाइड के विचार भी बार बार आ रहे हैं तो वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस है क्या, वो देखना जरूरी है। डिप्रेशन यदि उसको है और उसकी वजह से सुसाइड आ रहा है, तो मतलब सुसाइड करने के विचार आ रहे हैं, तो डिप्रेशन की ट्रीटमेंट दवाई से, एंटी डिप्रेशेंट्स दवाई से, या मानसोपचार से, या सम्मोहन उपचार से, हिप्नोटिज्म से करना जरूरी है। कभी कभी स्किजोफ्रेनिया के जो पेशेंट है, स्किजोफ्रेनिया मतलब छिन्न मानस की बीमारी या एकदम पागलपन की बीमारी, जो बीमारी में उसको आवाज आते रहते हैं बाहर के, कोई आसपास नहीं रहता तभी उसको आवाज आते हैं, और वो आवाज उसको बोलते हैं कि ऐसा कर, वैसा कर, उठ बैठ, सो जा, काम कर, खाना नहीं खाना, ऐसा कोई झगड़ने की आवाज ऐसा आते रहते हैं। तो कभी कभी वो आवाज उसको बोलते मर जा, तो वो आवाज जो बोलते मर जा, इसलिए वो जाके कूद जाता, मर जाता है। या फिर ये जो आवाज आ रहे है इसकी वजह से उसको जो तकलीफ होती है तो फटाक से जाके कूद जाता है कि भाई इससे छुटकारा पाना चाहिए करके। तो स्किजोफ्रेनिया जो बीमारी है, एकदम पागलपन की बीमारी, उसमें भी सुसाइड्स होते रहते हैं। बाकी सुसाइड के जो मुझे जो कारण है, वो कारण है कि पति पत्नी में जो संघर्ष है वो है, फिर रिसेंटली शादी हुई है और घर से ज्यादा पैसे, मतलब ये जो है उसका पति, उसके घर से डिमांड होती रहती पैसे की, या उसको फिर टॉर्चर किया जाता है, फिर घर में बोल भी सकती नहीं है क्योंकि घर से उसको सपोर्ट मिलता नहीं है। हमारे समाज में, हमारे देश में ऐसा होता है कि भाई एक बार शादी कर दिया बस तू वो घर की हो गई, अभी मेरे को मत आके बोल अभी क्या करना है, तो अभी वो तू उसके घर की हो गई, अभी अब तुझे देखना है वहां, अब वो ना घर आ सकती है वापस और ना वहां सहन कर सकती है, वो खुदकुशी कर लेती। तो ऐसे ही काफी सारी बातें होती रहती है। तो मतलब जो दहेज का प्रॉब्लम है, पति पत्नी का संघर्ष है, फाइनेंशियल लॉसेस है, आर्थिक विवंचना है, तो इसमें जो कारण है फेल होना, क्या लोगों को मैं कैसा मुंह बताऊं, बहुत बड़ा लॉस होना, अपने धंधे में बहुत बड़ा लॉस हो गया तो उसको कैसा मैं कैसा सामना करूं, या फिर कहीं आरोप हो गए, मैं दोषी नहीं हूं और मेरे ऊपर कुछ आरोप हो गए, पुलिस ने पकड़ लिया, जेल में जाना पड़ा, मालूम है कि मैं निर्दोष हूं तभी भी ऐसा हो गया, तो उसमें ऐसे अनेक कारण होते रहते हैं। तो वो कारण जिसके जिंदगी में आए हुए हैं उसको सपोर्ट उसके आजू बाजू वाले लोगों ने करना बहुत जरूरी है। एक बार वो टाइम निकल गया,
भले वो एक दिन का हो या 10 दिन का हो, एक बार वो विचार निकल गया, बाद में वो खुदकुशी करता नहीं है। तो हमारा सबका ये कर्तव्य है। फिर अभी हम हमारे हॉस्पिटल में 24 आवर सेवा देते हैं कि भाई जिसको भी खुदकुशी के विचार आते हैं उसको काउंसिलिंग की सेवा हमारे हॉस्पिटल में मिल सकती है, स्पेशली किसानों के लिए। कोई यदि हमको फोन करता है कि भाई मुझे आपसे बात करना है, काउंसिलिंग लेना है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, डिस्टर्ब मैं हो गया हूं या हो गई हूं, मुझे आपसे बात करने की और बात करके मेरा मन हल्का हो जाएगा, तो वो फोन से भी बात कर सकते हैं, काउंसिलिंग ले सकते हैं, मानसोपचार ले सकते हैं, ताकि वो उतना समय यदि निकल गया तो उसकी जान बच सकती है। तो हमारा ये फर्ज है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति हमको दिखता है कि जो ऐसा बोलता है कि नहीं मैं खुदकुशी करने वाला हूं, तो वो कोई भी कभी भी लाइटली लेने का नहीं, हल्के से लेने का नहीं, उसको सीरियसली लेना और उसका इलाज करना, काउंसिलिंग करना बहुत जरूरी है। इसके अनेक लोगों से प्राण बच सकते हैं। और हमारे यहाँ जो किसानों की खुदकुशी हो रही है काफी सारे, मतलब आज पेपर खोलो आप, कोई भी न्यूज़पेपर अखबार खोलते हैं तो अखबार में वही है पहले पेज के ऊपर कि आज 2 किसान मर गए, 1 किसान मर गया, 3 किसान मर, खुदकुशी कर लिया करके। तो ये हमको दिखाई देता है। तो ये सब जान बच सकती है और लोग एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम, आर्थिक स्वातंत्र्य लोगों को मिल सकता है और लोग अच्छा जीवन, मतलब खुशहाल का जीवन जी सकते हैं। ये इसके बारे में और जानकारी हमारे वीडियोस में आपको मिलेगी। आप मेरे वीडियोस को आप सब्सक्राइब करो ताकि आगे आने वाली वीडियोस जो है वो भी आपको देखने मिलेंगे, इंटीमेशन आपका होगा। और फेसबुक के भी ऊपर आप हमको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।